2018 के बाद आई हूँ। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक मैं लगातार जून के महीने में आती थी। और एक हमारे बहुत अच्छे संत थे, वो आते थे, उनका कार्यक्रम होता था, उसी में आती थी। दर्शन व्यवस्था कैसा रहा? अच्छे, बहुत सुंदर व्यवस्था। और पहले से एक बाहर जो मेन रोड है, मेन रोड से अंदर जाने की बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई है। नहीं तो दुकानें थी, बहुत सकरी जगह थी, एक्सपेंड हो गया और बहुत सुंदर हो गया, जो एक इतने भव्य और दिव्य मंदिर के लिए होना चाहिए। देश का ये एक सर्वोच्च स्थान है, जहाँ चारों धामों में जहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, उन चारों मठों में जगन्नाथ जी का भी है, जहाँ पूरे देश से, पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। तो एक सुंदर सा, मुझे बहुत अच्छा लगा पहले से। महाप्रभु जी से क्या मांगे आपके, क्या क्या प्रार्थना किए थे? देखिए, महाप्रभु के सामने मांगना नहीं पड़ता, प्रभु जानत बिनय जनाए, वो सब जानते हैं। और भगवान से मांगा नहीं जाता, भगवान ने जो दिया है ये भी बहुत कम नहीं, बहुत है। आवास योजना को लेकर जो पाना चाहिए वो नहीं पा रहे हैं, आवास योजना। देखिए, मैं यदि पूरे राज्य की बात करूं, 2016 में ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की थी। 2016 से 22 तक इस प्रदेश को 18,38,798 लगभग आवास हमने दिए हैं। निर्मित आवास है 16,93,960, जो निधि जारी की गई है 13,940 करोड़ रुपया। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री आवास ही नहीं डाला, केवल आवास योजना डाला है। नहीं, वो बीजू आवास करके जा रहा है। इन्हीं पीएम साहब का कहीं नामो निशान नहीं है। केंद्र सरकार का पूरा पैसा है, जिसमें 1,20,000 लाभार्थी के खाते में आता है, फिर मनरेगा का उनको श्रम करने का दिया जाता है 100 दिन का, और उसमें शौचालय भी दिया जाता है, गैस चूल्हा भी है, लाइट भी है। लेकिन इस प्रदेश में, ये जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ फनी आई थी, बहुत बड़ा तूफान आया था, इसके लिए हमने स्पेशल विंडो खोला था, जिससे यहाँ जो भी प्रभावित हुए वो 2011 की सूची के आधार पर नहीं था, जो भी इससे प्रभावित हुए थे उनके लिए भारत प्रदेश सरकार को हमने विंडो खोला था कि अपने जितने भी लाभार्थी हैं उनकी सूची बना करके भेजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार यहाँ की कोई गंभीरता दिखाई है। आज भी मैं आग्रह कर रही हूँ सरकार से कि आप अपना जो डेटा है उसको, अब अपना डेटा अपना चैनल बना करके उसमें आप अपलोड करोगे तो नहीं होगा, आपको सीधे भारत सरकार के चैनल में ही आपको जाना पड़ेगा। आज भी कलेक्टर के ऑफिस के सामने हजार हजार फनी अफेक्टेड लंबा लाइन लगा रहे हैं कंपनसेशन पाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। यही दुर्भाग्य है कि सरकार गंभीरता से नहीं लिया। हमने स्पेशल विंडो खोला, उस विंडो के माध्यम से उसने भारत सरकार में अपलोड नहीं किया। बहुत भयंकर तूफान आया था, उसमें शायद 6-7-8 जिले प्रभावित हुए थे। उसके लिए सरकार ने स्पेशल खोला था कि आवास के लिए उनको सुविधा दी जाए, और जो भी नुकसान हुआ है उसको सरकार सर्वे करके उसको भारत सरकार को भेजा। आवास योजना पात्र अंतर मैडम हो रहा है, जो नहीं पाना चाहिए वो पा रहा है। वही मैं बता रही हूँ, प्रधानमंत्री आवास 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार ने लागू किया है, जो पात्र सूची में है, और उसके बाद फिर आवास प्लस भी किया। लेकिन यहाँ सरकार उन आवासों को दुरुपयोग कर रही है, जो गरीब है उनको नहीं दे रही है, अपने चहेते लोगों को दे रही है। जनता आपकी है, प्रदेश आपका है, फिर जनता के साथ पक्षपात अच्छी बात नहीं है। मैम, आयुष्मान योजना लगाना चाहिए? आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई, लागू, उसमें भी इनको कुछ नहीं देना था। गरीब व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करवा पाता, एक साल में उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज होना था, यहाँ की सरकार उसको भी लागू नहीं कर पाई। यहाँ की सरकार बिजू स्वास्थ्य कार्ड, नहीं वो अपना लागू करे, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। आप अपना स्वास्थ्य कार्ड जो जारी कर रही, लागू करें, जैसे हिमाचल प्रदेश में
उन्होंने भारत सरकार का भी योजना लागू की और खुद उन्होंने हिम केयर करके लागू किया, जैसे उत्तर प्रदेश में है वहाँ भी केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसको तो लागू ही कर रही है, लेकिन उससे जो लोग छूट रहे हैं अपनी प्रदेश सरकार स्वयं की योजना लागू करे। लेकिन एक तरफ से दरकिनार कर देना पीएम केयर को तो मुझे लग रहा कि अच्छा नहीं है। आपको लगता है भारत सरकार के जो भी कुछ योजना है वो आम आदमी के पास पहुंच रही है? हम लोग देखिए, भारत एक संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जवाबदेही होती है, जो भारत सरकार डायरेक्ट भेज सकती है। जैसे उज्ज्वला के अंतर्गत हमने सिलेंडर दिया तो डायरेक्ट दिया, किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, हम वो डायरेक्ट जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आज मुझे ये भी जानकारी हुई कि किसानों का डेटा यहाँ की सरकार अपलोड नहीं कर रही है। आप सत्यवादी गए थे वहाँ, लोगों का फीडबैक क्या है? लोगों की यही फीडबैक है जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं वो लागू नहीं हो पा रही हैं, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रमुख समस्या है मैडम पूरी जिला में गेहूं का समस्या पर्याप्त परिमाण में नहीं उपलब्ध नहीं है, तो इसके ऊपर आपका पदक्षेप क्या? ये जो समस्याएं आ रही हैं इसकी मैं इसीलिए मैं आई हूँ जानकारी के लिए, बसरते जो स्टेट राइस ज़्यादा खाते हैं, 8 राज्य हैं ऐसे जो केरल है, ये है उड़ीसा है, कुछ राज्य हैं जहाँ राइस ही ज़्यादा खाते हैं, तो कोई एक स्टेट के लिए नहीं रोका गया है, वो सारे जो राज्य चावल पे ज़्यादा खा निर्भर हैं उनके लिए और आवश्यकता होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी को अधीर रंजन जो कांग्रेस का सांसद है वो एक शब्द बोला, इसके बाद वो माफ़ी मांगा, ये कहना क्या जरूरी था? देखिए मुझे लग रहा है कि जिस दिन से महामहिम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार इसी प्रदेश की बेटी एक दबे कुचलों की आवाज़ जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, उनको जब भारतीय जनता पार्टी NDA के गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसी दिन से विपक्ष कुछ ना कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, उन शब्दों को मैं प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन चुनाव के बाद तो नहीं बोलना चाहिए। राष्ट्रपति का एक पद होता है, व्यक्ति नहीं होता है, और वो भी चुनाव के बल पर चुनाव जीत करके वहाँ पहुँची हैं, और उनको राष्ट्रपत्नी बोलना, एक संसदीय प्रणाली से जनता के द्वारा चुने हुए सांसद के द्वारा शोभा नहीं देता है। और मेरा तो मानना यह है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है, दबे कुचलों के लिए, उन आदिवासियों के लिए, ये सिर्फ राष्ट्रपति जी का अकेले अपमान नहीं किया है, लाखों करोड़ों दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आज आदिवासी जनजातियों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया। बाद में माफ़ी मांगे लेकिन उनके मन में पश्चाताप नहीं है? नहीं, पश्चाताप उनके चेहरे में दिखी नहीं ना। माफ़ी मांगे, माफ़ी का क्या मतलब है? माफ़ी सार्वजनिक पार्लियामेंट में मांगू ना, क्यों बोलते हो भाई? राष्ट्रपति तो चुनाव के बाद सबका होता है ना, राष्ट्रपति एक गरिमामय पद है, उस पद को अपमानित करना ये पूरे भारतीय समाज की नारियों का अपमान हुआ। अब चाहते वो पार्लियामेंट में जाकर माफी मांगना चाहिए, राष्ट्रपति जी के सामने माफी मांगने का क्या मतलब है? पवित्र गुरु में वहाँ तो पत्रकारों ने भी टोका कि ये जो बोल रहे हो अच्छा नहीं है,